हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वह आपके जीवन में वापस लौट कर आएंगे। ओके, तो आपके पर्सन जो हैं वो क्या आपकी लाइफ में वापस लौट कर आएंगे, क्या आप लोगों का यूनियन होगा। ओके, तो अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग इसी टॉपिक पर है। ये रीडिंग जनरल रहेगी, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो आपको ये रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है। साथ ही साथ ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है, यानी आपकी कोई भी उम्र हो या आपका कोई भी जोडियक साइन हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, साथ ही साथ ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रहेगी, जिसका मतलब है कि आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी महीनों या कितने भी हफ्तों बाद क्यों ना पहुँचें, कितने भी महीनों बाद इसे देख रहे हैं, आप जब भी इसे देख रहे हैं ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस, ये चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ड्रीम टैरो 2021 और उस पर वही प्रोफाइल फ़ोटो लगा है जो यूट्यूब पर है, तो आप इजीली मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आइए चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या वह आपके जीवन में लौट कर वापस आएंगे, क्या वह वापस लौट कर आएंगे। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, क्या वह वापस लौट कर आएंगे। पहला कार्ड है 10 of Swords का। ओके, अगला कार्ड भी Swords का है, विच इज 6 of Swords। लेट मी टेक सम मोर कार्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके, 9 of Wands, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन की एनर्जी डबल है यहाँ पे, तो आपकी लाइफ में 9 से रिलेटेड कुछ हो सकता है। ओके, 9 मंथ या 9 डेट कुछ। ओके, या 9 दिन या 9 महीने या 9 से समथिंग कुछ रिलेटेड है आपकी लाइफ में। ओके, 2 of Swords, अगेन Swords की एनर्जी है। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर क्या वह आपकी लाइफ में लौट कर वापस आएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि आएंगे। ओके, बट यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस हैं जो अनफेवरेबल हैं उनके लिए। वो वेट करेंगे कि कंडीशंस, सिचुएशंस कब उनके फेवर में आए, वो तब आ पाएंगे। देखिए, सिचुएशन मुझे यहाँ पर ऐसी लग रही है कि आपके पर्सन अभी बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, बिट्रेयल फील कर रहे हैं, बैकस्टैबिंग फील कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने ही इन्हें इस वक्त बैकस्टैब किया है या बिट्रे किया है। इनके घर परिवार, करियर, फ्रेंडशिप, कोई और सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है, करियर के रिलेटेड भी हो सकती है, जहाँ इनको बैकस्टैब किया गया है, बिट्रे किया गया है। ओके, बिट्रेयल की एनर्जी है, तो उस चीज़ से काफ़ी ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे इन्हें धोखा मिला हो, बहुत दुख मिला हो, या ये किसी पेनफुल सिचुएशन में है। इनकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, ठीक है, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट ये काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में है, काफ़ी दर्द की सिचुएशन में है। दे आर नॉट हैप्पी, ये बहुत दुखी हैं व्यूअर्स, और कहीं ना कहीं ये आपको दूर से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये आपके पास नहीं आ रहे हैं। ये दूर से ऑब्ज़र्व करने को मैं स्टॉकिंग भी कहूँगी, कि आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं।
अगर आप काफ़ी टाइम से इनके साथ नो कांटेक्ट में हैं या बातें कम भी होती हैं, ओके काफ़ी दिन हो गए हैं, तो ये सोच रहे हैं आप अगर कि ये आपको शायद भूल रहे हैं या आप में अब इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसा नहीं है. आई एम सॉरी फॉर माई थ्रोट. ऐसा नहीं है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर. और अगर नहीं है सोशल मीडिया पर भी ब्लॉक हैं, तो किसी दूसरे अकाउंट से, फेक अकाउंट से, ये किसी और से पूछ पूछ कर कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है. अगर आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं तो उनसे पूछ पूछ कर, लेकिन ये आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं. ओके, ये आपके पास नहीं आए हैं और ना आपसे बात करने की कोशिश की है अब तक, मुझे ऐसा लग रहा है. कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि इनकी लाइफ में बहुत लोग हैं जो कहीं ना कहीं इनको दिखाते हैं कि इनकी बहुत केयर करते हैं, इनकी बहुत चिंता करते हैं, लेकिन आपके पर्सन को फिर भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है. जैसे इनके लाइफ में इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके फैमिली रिलेटिव्स या कोई और लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीज़ शो करते हैं कि वो लोग आपके पर्सन की बहुत केयर करते हैं, लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ में भी इन्वॉल्व नहीं है. उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग इनकी केयर करते हैं कि नहीं. आपके पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है, तब भी सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे कोई भी उनकी केयर कर रहा हो, चाहे कोई भी लव अफेक्शन दिखा रहा हो, फिर भी ये सेटिस्फाइड नहीं है. ये इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, अधूरा महसूस कर रहे हैं, इन्हें कमी लग रही है आपके व्यूअर्स. और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप कहीं दूर चले गए हो, या ऐसा हो सकता है कि आप किसी और से बात कर रहे हो, ये कोई और आप में इंटरेस्टेड है, या आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, या यू नो किसी नए पर्सन से आपकी फ्रेंडशिप हुई है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है. तो अगर इनको ये बात भी पता लगी है स्टॉकिंग करते करते, ऑब्जर्व करते करते, अगर इन्हें ऐसा भी कुछ डाउट हुआ है या पता लगा है कि शायद कोई और आपसे मिलजुल रहा है, शायद कोई और आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, और अब आप भी इंटरेस्ट दिखाने लगोगे या लग रहे हो इंटरेस्ट दिखाने, तो उस बात से ये काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं. तो व्यूअर्स, उनको इस चीज़ का डर है कि शायद आप किसी और के हो जाओगे, शायद किसी और के साथ चले जाओगे. हो सकता है व्यूअर्स, आपके जो पर्सन हैं जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका बर्थ मंथ या आपका बर्थ मंथ हो सकता है फेब्रुअरी. ओके, सितंबर, अक्टूबर, जून, जनवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, ये कुछ महीने हैं जिनमें से आपका या उनका जन्मदिन हो सकता है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन. ओके, या चलिए बताने की कोशिश करते हैं कि उनका या आपका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है. 12 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 9 तारीख, 19 तारीख, 29 तारीख, 6 तारीख, 16 तारीख, 26 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख, 21 तारीख, 6 तारीख, या 27 तारीख, 7 तारीख, 17 तारीख. तो व्यूअर्स, ये कुछ डेट्स हैं जिसमें आपका या उनका जन्मदिन हो सकता है. अगर ये डेट्स और ये मंथ आप लोगों के सिचुएशन से मैच नहीं भी करते हैं, तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग आप लोगों से स्टिल मैच कर सकती है. तो व्यूअर्स, उनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ जा रहे हो और बहुत खुश हो. उनको वो आपको देखते हैं या आपको ऑब्जर्व करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत हैप्पी एनर्जी में हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, बहुत खुश हो, अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हो. तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को देखकर और ज़्यादा घबराते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सच में किसी और के साथ ही खुश रहो और इनको भूल जाओ. ठीक है, तो अभी इनके दिमाग में कई बार ऐसा दिमाग में कई बार ऐसे ख्याल आते हैं कि ये आपको वापस आके ऑफ़र दें या ना दें, आपको कुछ प्रपोज़ करें या ना करें. ये दोनों तरफ इनके दिमाग में दो डायरेक्शंस बन गए हैं
इनके दिमाग में दो आइडियाज़ आते रहते हैं। एक तरफ इनका दिमाग कहता है कि एक्शन अब मत लो, अब बहुत देर हो गई है। एक तरफ इनका दिल कहता है कि एक्शन लो, ओके, क्योंकि ये यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं। अब इनका कोई इंटेंशन रिलेशनशिप का या फिर टाइम पास करने का नहीं है, इनका इंटेंशन है कि आपके साथ एंगेजमेंट करें, शादी करें, आपको स्टेबिलिटी ऑफर करें, ऐसा इनका इंटेंशन है अब। और ये अब दो रास्तों में यू नो कन्फ्यूज़ होकर रह गए हैं कि अब इन्हें आपको ऑफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहीं अब देर तो नहीं हो गई है, ओके, क्योंकि ये आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं। लेट मी शो यू, ये आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं। यहाँ पर कोई टाइम पास या कोई रोमांस या कोई फ्लर्ट ऐसा कोई कार्ड नहीं है, ठीक है। और ये व्यूवर्स आप तक आएंगे ज़रूर, ओके, लेकिन ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी तो ये पेनफुल एनर्जी में है, इनको थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है, अभी ये हील भी नहीं हुए हैं, ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है। हो सकता है आपके नाम में या इनके नाम में M आता हो, N आता हो, S, H, I, A, E, E या डबल A या डबल I भी आ सकता है, और E, ओके, आई एम सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड साउंड व्यूअर्स। ये कुछ लेटर्स हैं, ये कुछ अक्षर हैं जो आपके या इनके नाम में आ सकते हैं। वी ऑल्सो, वी और या अलोन, पहला ही जो कार्ड आया है वो अलोन, और मैंने कहा भी था ये बहुत इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं। चाहे इनकी लाइफ में कितने भी लोग हों इनकी केयर करने वाले, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं है, ये बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, और मैंने शब्द का प्रयोग किया था कि इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। तो यही बात है, ये लौट कर आएंगे व्यूअर्स, बट अभी के लिए ये कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि इन्हें आना चाहिए कि नहीं। इनोसेंस, ब्यूटिफुल, द सोर्स, ठीक है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो आपके बिना बहुत ही अधूरा और अकेला महसूस कर रहे हैं, चाहे इनकी लाइफ में कितने भी लोग हैं, कितना भी काम है बिजी रहने के लिए, लेकिन फिर भी ये अकेले हो गए हैं, और अकेले रहकर ये डीप थिंकिंग कर रहे हैं, सोच बहुत रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको ऑब्ज़र्व बहुत कर रहे हैं दूर से, और जितना ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये आपको खुश देख रहे हैं, इन्जॉय करता हुआ देख रहे हैं, तो ये चीज़ इन्हें और हर्ट कर रही है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको खुश देखकर इनको दुख हो रहा है, ये सोच रहे हैं कि आप शायद इनके बिना खुश रहना सीख चुके हो, शायद आपकी लाइफ में कोई और पर्सन एंट्री ले रहा है, कोई और इनकी जगह ले रहा है, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं मायूस हो जाते हैं जब भी आपको ऐसे देखते हैं एंजॉय करता हुआ या खुश देख रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है आप ग्रो कर रहे हो फाइनेंशियली, यू नो, आप अपनी पर्सनालिटी पर वर्क कर रहे हो, आप बहुत अच्छे दिखने लगे हो, और ज़्यादा आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो गया है, सो दे लाइक एवरीथिंग अबाउट यू। तो ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इन ये बिट्रेयल की एनर्जी में चले गए हैं, दुखी हैं बहुत ज़्यादा, ओके। आगे इनोसेंस का कार्ड भी है जो मुझे बताता है व्यूअर्स कि ये इस समय आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी इनोसेंस, आपकी प्योरिटी जो है ना, इन्हें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट, इन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, यस। क्योंकि जिस तरह से आप यू नो कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करते, किसी का दिल नहीं तोड़ते, किसी को हर्ट नहीं करते, कोई मैनिपुलेशन नहीं करते, तो यू आर वेरी प्योर, आपका दिल बहुत प्योर है, आप बहुत इनोसेंट हैं। और एक डर की बात इनके लिए ये भी है, ये डर रहे हैं इस चीज़ से कि आप लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं, तो इन्हें डर लगता है कि कोई ऐसा ना हो कि कोई आ जाए और आप उस पर आसानी से ट्रस्ट कर लें, तो ये इस चीज़ से भी डरे हुए हैं। और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं आपके इनोसेंस को, आपकी प्योरिटी को, यस। और कहीं ना कहीं व्यूअर्स, मुझे यहाँ इनका मेन इंटेंशन जो दिख रहा है कि वापस आएंगे, तो वापस आने का मेन इंटेंशन क्या है, इनका इरादा क्या है वापस आने का, तो व्यूअर्स इनका मेन इंटेंशन यही है कि आपको कोई प्रपोजल दें, कोई सॉलिड कमिटमेंट, कोई सीरियस ऑफ़र, यू नो कुछ ऐसा दें जो रिलायबल हो, जिस पर भरोसा किया जा सके।
तो ये इनका इंटेंशन भी व्यूअर्स मुझे क्लीन दिख रहा है कि इनका इंटेंशन सिर्फ स्टेबिलिटी है आपके साथ, आपके साथ शादी, आपके साथ यू नो विवाह करना, आपको कमिटमेंट देना, चीज़ों को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना, ये है इनका इंटेंशन आपको लेकर। तो व्यूअर्स ये आपके जीवन में वापस लौट कर आएंगे, बट अभी ये कन्फ्यूज चल रहे हैं क्योंकि ये अपनी सिचुएशन को लेकर क्लियर नहीं है कि इनको अब जाना चाहिए कि नहीं, बट लेटर ये आएंगे ज़रूर, क्योंकि इनसे ऐसे नहीं रहा जाएगा। दे आर इन पेन और ये पेन में ज़्यादा समय तक रह नहीं पाएंगे, दे नीड हीलिंग, तो ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। तो आई होप इस रीडिंग से आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली हो, ओके इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया हो। अगर 1% भी गाइड किया है तो मुझे जान के बहुत खुशी होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली।